अच्छा आवाज आ रही है मेरी? आप यस सर, लोग, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड। तो आप लोगों ने कल टेस्ट दिया, टेस्ट में देखा कि बहुत सिली मिस्टेक आप लोगों ने किए हुए हैं। इट मे बी कि आपको शायद प्रैक्टिस का टाइम ही मिला, सही से प्रैक्टिस नहीं हुआ। थोड़ा प्रैक्टिस और करिए। क्वेश्चन काफी आसान थे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों ने चैलेंज किए और रिजेक्ट करने पड़े। एक आध तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आउट ऑफ मतलब लग रहा है कि 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के केमिस्ट्री में सब रिजेक्टेड थे। अब वो रीजन क्या था वो आप उसको समझिए, क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर देंगे कहाँ कहाँ एरर आप लोग करते रहे। ठीक है, और पहले डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा दिया, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर अब क्वेश्चन आप चाहोगे तो हम डिस्कस कर देंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें थी नहीं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन थे, हाइड्रोक्सीलेशन के क्वेश्चन थे। हाइड्रोक्सीलेशन आप जानते हैं सिन एडिशन और एंटी एडिशन दोनों होता है, उसी पे क्वेश्चन मिले हुए थे। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में आप लोगों ने आउट ऑफ 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी सब क्वेश्चन सही थे। और दो कुछ दो तीन में इसलिए था कि एक में दो ऑप्शन सेम हो गए थे, ए और सी, गलती से। ठीक है, आप लोग जिन्होंने चैलेंज किए उनके मार्क्स अपडेट हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा मैक्सिमम केस में रिजेक्टेड है। तो अभी हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं जहां पे रोका था। ठीक है, और फिर पेपर चाहिए तो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों को लगेगा पेपर डिस्कस करना चाहिए, लास्ट में भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, हेलो। हाँ मित्रों, तो बात आगे बढ़ाई जाए। देखिए, हम क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे रफली, हमने ये कहा था एल्कीन जो है, एल्कीन RCH(CH2), इसमें वाटर ऐड होता है। याद है वाटर का एडिशन बताया था, वाटर का एडिशन हम लोग पढ़ रहे थे। और एडिशन ऑफ वाटर कई तरीके से होता है। एक होता है मार्कोनी कॉफ नियम, दो तरीके होते हैं मार्कोनी कॉफ के। और मार्कोनी कॉफ में भी क्या था, एक विद रीअरेंजमेंट, एक विदाउट रीअरेंजमेंट, है ना। और एक तरीका था एंटी मार्कोनी कॉफ का, पानी को ऐड एल्कीन को पानी पानी को एल्कीन पे ऐड कर सकते हैं। तरीके हैं तीन, इन तीन में से दो मार्कोनी कॉफ है, एक एंटी मार्कोनी कॉफ है ना। और जो मार्कोनी कॉफ है उसमें एक में रीअरेंजमेंट है, एक में नहीं है, ऐसा याद रखना है। तो पहला जो तरीका था हाइड्रेशन, पहला तरीका क्या था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसका कैटलिस्ट क्या था हम डिस्कस कर चुके हैं शायद। क्या आपके बैच में हाइड्रेशन वाला केस डिस्कस हुआ है, बोलो कोई। यस सर, हाँ, हाइड्रेशन में क्या हाइड्रेशन और होता है, हाँ हाइड्रोब्रेशन दोनों हो गए। हाँ हाँ गुड गुड, हाइड्रेशन भी हो गया। ओके, तो यस हाइड्रेशन में क्या था बच्चों, याद आपने देखा होगा हाइड्रेशन और हाइड्रेपरेशन दोनों हो गया, एक बचा वो ऑक्सीमर्कुरेशन, डिमर्कुरेशन बचा क्या। सर, तो उसमें देखो हाइड्रेशन में क्या है, मार्कोनी कॉफ विद रीअरेंजमेंट, यानी पहले H+ आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर जाके OH आएगा, है ना। HBO में क्या है, HBO में एंटी मार्कोनी कॉफ है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, सीधे ऐड कर दो, सिन एडिशन है। HBO सिन है और एंटी मार्कोनी कॉफ है। ठीक है, अब एक हम आप डिस्कस करते हैं OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। रिएजेंट आपको लिखवाया है जब, उसकी बातें हम करेंगे भी, कि उसमें मार्कोनी कॉम्पिटिशन तो होता है लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट कैसे होता देखते हैं। OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। जैसे HBO क्या था, हाइड्रेबोरेशन, यानी हाइड्रोजन और बोरन का, हाइड्रोजन और बोरन का जुड़ना हाइड्रेबोरेशन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार OMDM क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन, यानी ऑक्सीजन और मरकरी का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ेगा और मर्करी जुड़ेगा, ऑक्सीमर्कुरेशन, और डीमर्कुरेशन मर्करी का निकल जाना। आइए देखते हैं हम उस तीसरा केस उसी का, उसी रिएक्शन का थर्ड पार्ट लिख लें, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, राइट। OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, OMDM, ऑक्सीजन और मर्करी का जुड़ना पहला, और फिर निकल किसका जाना, मर्करी का निकल जाना। ऑक्सीजन और मर्करी का जुड़ना ऑक्सीमर्कुरेशन,
एक मिनट बच्चों, इंक नहीं भरी हुई इसमें। इंक भर लें, एक मिनट देना बच्चों, एक मिनट। चलिए देखिए, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, चीजें तो आप जानते हैं होता क्या है। R CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें दो रिएजेंट होते हैं। पहला स्टेप मर्क्यूरिक एसीटेट, बच्चों मर्क्यूरिक एसीटेट हो सकता है, यहां पे एसीटेट आयन दिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन हो सकता है, यहां फॉर्मिक एसिड या कोई भी बेंजोइक एसिड, मतलब मर्करी साथ में कोई एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, एसिड का मर्करी सॉल्ट, मर्क्यूरिक एसिटेट जरूरी नहीं है, कोई भी मर्करी का सॉल्ट होना चाहिए, जरूर लिखिएगा, नॉट ओनली मर्क्यूरिक एसिटेट, अरे एनी एसिटेट एंड कोई भी एसिड का आयन ले लो, साथ में H2O। और दूसरे स्टेप में NaBH4। बच्चों इसमें फाइनली ऐसा होता है कि RCHCH2 पानी जुड़ जाता है और पानी का एंटी मार्कोनिक ऑफिडेशन होता है, यानी सॉरी मार्कोनिक ऑफिडेशन होता है, इन नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन इधर आएगा दिस, और ये सिन प्लस एंटी, इसका एंटी फॉर्म जब लो, एंटी ऐसा हो सकता है सिन और एंटी दोनों बनेगा, ये देखिए हो सकता है, बोलो कि ओ एच इधर से आया, हाँ ये उधर सिन और एंटी दोनों एडिशन हो सकते हैं, पानी का है, मार्कोनिक ऑफ है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक सिन एक एंटी, ये हो गया सिन एडिशन, ये हो गया एंटी एडिशन, सिन और एंटी दोनों, ठीक है। नाउ होता कैसे ये मैकेनिज्म देखिए, इसकी मैकेनिज्म देखिएगा, यहां की मैकेनिज्म कुछ कुछ याद है, वो हम लोग ब्रोमोनियम आयन बनाते थे, ब्रोमोनियम आयन Br2CCl4 वाला रिएक्शन, वो थ्री मेंबर रिंग नीचे से बनाती थी ना, वैसे ही कुछ होगा, यहां ब्रोमोनियम आयन की जगह जहां ब्रोमीन था वहां मरकरी आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, यहां होगा R CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या हो गया, ए उससे पहले देखिए, उससे पहले जो मर्क्यूरिक एसिटेट है ना, ये पहला स्टेप CH3 होल ट्वाइस HG, ये आयनाइज होगा किसमें, एक एसिटेट आयन अलग हो जाएगा और ये HG CO, ये प्लस, टोटल चार्ज पे प्लस आ गया, इसमें से इस पे प्लस टू का चार्ज था एक्चुअली, यहां -1 था लेकिन -1 दो बार था, फिर क्या हुआ, एक बार -1 निकल गया तो ये आयन बन गया CH3COHG+, और बच्चों यही अटैक करेगा HG+ दूसरे स्टेप में, देखिए ऐसे R CH डबल बॉन्ड CH2, ये आयन जो आप देख रहे हैं HG+ CH3CO-, ये इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल ये पहला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से अप्रोच करेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और इसका एक बॉन्डिंग इधर से, इसका एक बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगा जैसा थ्री मेंबर रिंग टाइप होता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा RCHCH2, देखिए यहां आ गया मरकरी और एसिटेट आयन तो जुड़ा हुआ है OCOCH3, ऐसे यहां प्लस चार्ज, देखो बच्चों ये मरकरी जुड़ गया, इसने ब्रोमोनियम आयन टाइप ऐसी मैकेनिज्म बना दी कि रीअरेंजमेंट संभव नहीं है, पहले मरकरी जुड़ता है, पहले मर्क्यूरिक एसिटेट अटैक करता है, आप देखो पहले मर्क्यूरिक एसिडेट था साथ में वाटर था, मर्क्यूरिक एसिडेट ने अटैक कर दिया, दूसरे स्टेप में वाटर अटैक करेगा, कैसे करेगा देखिए, ऐसे
दूसरे स्टेप में वाटर अटैक करेगा, राइट? ये लेकिन कहां अटैक करेगा, दिस और दिस? तो कहते हैं आउट ऑफ दीज टू कार्बन उस पे अटैक करेगा जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी होगी। तो कहेंगे सर ये अटैक यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, बट यहां नहीं करेगा, इस पे करेगा। क्यों? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यहां टेंडेंसी होगी, बनेगा नहीं, बनता तो रीअरेंजमेंट हो जाता, बनेगा नहीं, टेंडेंसी होगी। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आता तो ज्यादा स्टेबल बनता, तो इस पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से लीव कर जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस, देखिए एक माइनस एक प्लस आ जाएगा, इस प्रकार से कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, R CH CH2, इधर से वाटर अटैक कर दिया, ये देखिए वाटर, और यहां से Hg था, ये इधर Hg था, Hg यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां था Hg CH3 या Hg OCO CH3, ये देख लीजिए, ये वाटर यहां अटैक किया था, फिर से वाटर बना देते हैं अलग से, थोड़ा सही दिखे, ये देखिए, है ना बच्चों, इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, यहां से यहां के स्टेप को ऑक्सीमर्कुरेशन बोलते हैं, ऑक्सी मर्कुरेशन यानी मर्करी का जोड़ना, OM, देखो ना एक तरफ ऑक्सीजन जोड़ा, एक तरफ मर्करी जोड़ा, ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीजन जोड़ा मर्करी जोड़ा, ऑक्सीमर्कुरेशन नाम देते हैं इसको। ठीक है, यहां तो नोट करो, फिर मुझे कैमरा थोड़ा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, डी मर्कुरेशन स्टेप दिखा, क्या हुआ लैग कर रहा है, रुक रहा है बार बार, ये स्टेप सभी को रुक रहा है बच्चों, ब्लर भी कर रहा है, यस सब बिजी से रुक जा रहा है। अच्छा 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 ठीक हुआ, आज तो मेरे को ऐसा कोई मैसेज आया नहीं कि कनेक्शन इज अनस्टेबल। अभी कैसा दिख रहा है, लड़ लिया, हाँ लड़ रहा, ब्लर है अभी भी, यस सर, बोलिए सर, जब ये सेकंड स्टेप पे एल्कीन पे ये मर्क्यूरी का एसिटेट अटैक कर रहा है, तो उस पे ये ओवरऑल प्लस चार्ज होना चाहिए ना, मर्क्यूरी पे एसिटेट नहीं, मर्क्यूरी खुद अटैक कर रहा है, एसिटेट नहीं अटैक कर रहा, मर्क्यूरी, हाँ मर्क्यूरी आयन ही अटैक कर रहा है, एसिटेट से जुड़ा हुआ है बस सर, तो उस पूरे स्पीशीज पे प्लस चार्ज होना चाहिए ना, ना ना प्लस चार्ज मर्क्यूरी पे ही रहेगा, प्लस चार्ज मर्करी, इसको कई बार इस चार्ज को इस ट्रायंगल के अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन रहेगा मर्करी पे ही, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ ध्यान दो, इसमें प्लस वन चार्ज था ना पहले से, दो इलेक्ट्रॉन इसको मिले, दो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, जितने इलेक्ट्रॉन मिले उतने दे दिए, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर प्लस वन का प्लस वन ही चार्ज रह जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से मिले उतने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, अल्टीमेटली इस पर कोई चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, साइक्लो मर्क्यूरी का आयन जो बनता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। हाँ बच्चों देखिए एक बार सभी लोग, अगर थोड़ा सही हो, दिखना शुरू हो तो आगे बढ़े, नहीं थोड़ा और वेट करें। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए, तो आप ये ऑक्सीमर्कुरेशन आपने देखा, अब देखो बच्चों एक चीज रह गई इसमें, ये वो ये रह गई कि जैसे ये वाटर ने अटैक किया, एक ऐसे जुड़ गया, इसी प्रकार क्या होगा, ये जो वाटर का एक्स्ट्रा एच है ना, इसको हटाया जाएगा, कौन हटाया देखिए, है, एक और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये H2O, ये क्या करेगा, यहां से एक्स्ट्रा एच को हटाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के H प्लस इसके पास जाएगा ऐसे माइनस, तो ये H प्लस इससे जुड़ेगा, ये H3O करके निकल जाएगा, माइनस H3O प्लस, ये और ये H प्लस लेके निकल जाएगा, और अब देखना फाइनली ये जो होगा, ये स्टेप ऑक्सीमर्कुरेशन का फाइनल होगा, आर सी एच सी एच टू, इधर ऊपर आ गया OH, नीचे
COCH3, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन, राइट। ये टोटल बच्चों यहां अगर इधर नहीं दिख रहा, मैं कैमरा घुमा रहा हूं उधर, थोड़ा सा देखिएगा जरा, यहां तक तो हमने देख लिया होगा, थोड़ा सा कैमरा उधर मूव करता हूं ऑक्सीमर्कुरेशन दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि दूर करेंगे तो ब्लर हो जाएगा, इसे पास ही रखना पड़ेगा कैमरा, और पास कर सकते हैं अगर आपको लगे थोड़ा ब्लर है तो, है ना, थोड़ा लेफ्ट में मूव कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, एक मिनट में पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको, ये ऑक्सीमर्कुरेशन यहां से यहां का पूरा मर्कुरेशन है, यहां से यहां तक पूरा मर्कुरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन ही पूरा है यहां से यहां तक। अब क्या होगा, इसके बाद शुरू होगा डी मर्कुरेशन, इसमें मर्करी निकलेगा, मर्करी निकलेगा वहां किसका रोल होगा बच्चों, ये होगा NaBH4 का, NaBH4, NaBH4 क्या होता है, देखो इसमें इसमें होता है Na प्लस और BH4 माइनस साइन, NaBH4 जो आता है तो NaBH4 में Na4 ये टूटता है, Na प्लस साइन हो गया, ठीक है, Na प्लस साइन, और BH4 कैसा होता है, BH और माइनस, और चार्ज बैलेंस क्यों, ये प्लस हो गया Na प्लस, ऐसा BH4 में बोरॉन का माइनस है, BH4 माइनस आयन, और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर इसके Na प्लस आयन होता है NaBH4, देखिए, राइट बच्चों, अभी क्या है, ये BH4 ये आसानी से H माइनस रिलीज करता है, H माइनस, तो यहां से H माइनस निकलेगा, H माइनस इधर भी अटैक कर सकता है, H माइनस जो है वो इधर भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, तो उधर से अटैक किया इन एडिशन, HOH सेम साइड से आगे, और नीचे से अटैक किया तो एंटी एडिशन, और एट द सेम टाइम ये मर्करी दो इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा, मर्करी यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, मर्करी जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो क्या होगा ध्यान दें एक बार, R CH2, ये OH इधर आ गया, मर्करी निकलेगा तो H माइनस इधर से भी आ सकता है, H माइनस इधर से भी आ सकता है, H माइनस यहाँ पे सिन और एंटी एडिशन क्यों बोलते हैं, H माइनस दोनों साइड से आ सकता, प्लस ये हुआ क्या, मर्करी इलेक्ट्रॉन लेके निकला, Hg पे आ गया माइनस चार्ज, Hg माइनस और CO ये हो गया OCOCH3, देखो बच्चों Hg पे आ गया माइनस चार्ज, अब Hg अपने मेटल है ये तो नेगेटिव चार्ज रखना ही चाहेगा, तुरंत क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस चार्ज होगा, तो आप देखना मर्करी जीरो स्टेट में आ जाएगा, ये जब यहाँ जाएगा तो ये मर्करी अलग हो जाएगा, और ये इसमें क्या होगा, एक मर्करी जीरो स्टेट, Hg जीरो स्टेट में अलग हो जाएगा, Hg लिक्विड होगा जीरो स्टेट में, और एसिटेट आयन अलग हो जाएगा CH3 COO-. तो आप पहले देखो यहां से यहां तक ऑक्सीमर्कुरेशन है, इसके बाद शुरू होता है डीमर्कुरेशन डीएम स्टेप। तो पूरा स्टेप जो है ना, पहले तो आप मैं आपको डीमर्कुरेशन देख लीजिए, फिर मैं ऑक्सी दोनों स्टेप को बारी बारी से दिखा दूंगा कैमरा रोटेट करके, ठीक है। तो पहले आपने देखा डीमर्कुरेशन, पहले आपने देखा ऑक्सीमर्कुरेशन, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग, देखिए इधर पहले ऑक्सीमर्कुरेशन पे आते हैं, ठीक, आइए ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो एसिटेट आयन, जो मर्करी एसिटेट लिया है, ये पहले आयनाइज होगा एक एसिटेट आयन और एक मर्करी आयन में, जो मर्करी एसिटेट आयन, ये जो Hg प्लस है ना, ये Hg प्लस जाके इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल वैसे से ब्रोमोनियम आयन बनाएगा, थ्री मेंबर रिंग बना देगा, थ्री मेंबर रिंग बन गया, इसने इसको इधर से घेर लिया, कोई इधर से नहीं आ सकता। जो दूसरा वाटर लिया है, ये वाटर ऊपर से अटैक करेगा, आउट ऑफ दीज टू किस पे अटैक करेगा, जहां से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी होगी, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां से बन सकता है, तो यहां से टूटेगा, यहां पे अटैक कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी होगी, बनेगा कभी नहीं, थ्री मेंबरिंग है ये, यहां अटैक करेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसी पे वाटर जुड़ जाएगा, ये बन गया, लेकिन वाटर पे प्लस चार्ज है, क्योंकि इस पे जो प्लस चार्ज होगा ना, इसका प्लस चार्ज वाटर के लोन पेयर पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप देखना, केमिकल बॉन्डिंग रेजोनेंस बता, अपने आप चार्ज बैलेंस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा बताऊंगा ना, कोई प्रॉब्लम है तो वोट साफ करके फिर बता दूंगा, देख लो। तो ये यहां अटैक करेगा, यहां प्लस चार्ज आ गया, इसके प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर यहां से एक एच प्लस आयन निकालता है, ये बन गया, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया सबको, उसके आगे और आगे बताते हैं, देखिए ये क्लियर हो गया सबको यहां पे, इसके आगे देखिए, अभी क्या हुआ, इसको हटा दिया, जैसे ही ये वाटर इसको हटाएगा ये बन जाएगा, और जैसे ही ये बन जाएगा बच्चों, ये हो गया ऑक्सीजन और मर्करी का जुड़ना, ऑक्सीमर्कुरेशन यहाँ खत्म होता है। अब मर्करी निकालना है, डीमर्कुरेशन, मर्करी निकालना, तो मर्करी निकालने के लिए क्या करेंगे,
NaBH4 जो लिया है रिड्यूसिंग एजेंट H- देगा, इसका H- निकलेगा, H- इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, H- जुड़ेगा या HG- निकलेगा, तो H- दोनों साइड जोड़ दो, HG- निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों HG पे है प्लस चार्ज, देखिए ये प्लस दो वाला हटा देते हैं, HG पे प्लस माइनस चार्ज आया, अब HG- है, अपने को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा, HG जीरो स्टेट में चला जाएगा और ये स्टेट आयन बना देगा। तो ये है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ऑक्सीजन और मर्करी का जुड़ना और केवल मर्करी का निकलना, OMDM, OMDM ही बोलते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पूरा वर्ड एक साथ दिखाऊं या फिर पार्ट बाय पार्ट दिखाऊं? पहला पार्ट तो नोट कर लिया हो, दूसरा पार्ट भी नोट कर लिया सभी लोग, डीमर्कुरेशन स्टेप। सर एक बार बोर्ड के पास आए ना एक बार, ये सर अब दिख रहा है, ब्लर हो गया अभी, ठीक हुआ? हाँ अब ठीक है, अभी ठीक हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ऑक्सीमर्कुरेशन देखा, अभी हम लोग डीमर्कुरेशन देख रहे हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन देन डीमर्कुरेशन, राइट? चैप्टर खत्म, कौन बोला? ए बालक, चैप्टर नहीं खत्म, अभी तो चैप्टर बाकी है, आज की पूरी क्लास पढ़ाएंगे इसको, हो सकता है अगली क्लास में कुछ, हाँ आज एल्कीन खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में अल्काइन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर नीचे से कैसे अटैक करेगा वो? तो नीचे से है ना वो लगा हुआ, ये कौन ये वाला इधर से इसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर। क्यों आयरन मैन? यस सर। देखो भाई यहाँ से H- निकले, भाई H- माइनस हाइड्रोजन इतना छोटा होता है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं करता, कोई दूसरा एटम होता तो नहीं अटैक कर सकता था, हाइड्रोजन बहुत स्मॉल साइज है इसका, अपना कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, इसे दोनों साइड से अटैक कर सकते, H- इधर से भी, H- उधर से भी, ठीक है ना। और दूसरा ये कार्बन क्या टेट्राहेड्रल है, ध्यान दीजिए ये कार्बन टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल मतलब समझ रहे हैं, बॉन्ड एंगल 190-28 मिनट, क्लियर? तो फिलहाल जो है ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ये बॉन्ड तो रोटेट हो सकता है, जो थोड़ी मर्करी आ रही है, मर्करी घूम चुकी है, ये बॉन्ड तो घूम सकता है, तो ये कहीं भी घूम जाएगा, ये दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी है इसके। तो इस प्रकार से ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में थ्री मेंबर रिंग बना करके रीअरेंजमेंट रोका, ये थ्री मेंबर रिंग जो बनी थी ब्रोमोनियम आयन की, यहाँ पे मर्क्यूरिनियम, इसको मर्क्यूरिनियम आयन बोलेंगे, मर्क्यूरिनियम जैसे ब्रोमोनियम वैसे मर्क्यूरिनियम, जो मर्क्यूरिनियम आयन बना था यहाँ पे थ्री मेंबर रिंग वाला, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा अभी ऑन स्क्रीन, उसकी वजह से रीअरेंजमेंट नहीं हुआ और वाटर ने अटैक कर दिया, तो रीअरेंजमेंट का मौका ही नहीं मिला। क्यों वो क्या घुमा दें थोड़ा सा, बाकी फोटो में खींच लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी ब्लर है तो वो चीज डाउट आप वहां क्लियर कर सकते, जब मैं आपको फोटो भेजूंगा बोर्ड, ठीक है। अगर ब्लर बिल्कुल ना हो तो ज्यादा बेटर है, हल्का फुल्का भी है तो आप वहां क्लियर कर सकते चीजों को। हाँ बच्चों फिर से मैं लेफ्ट बैक पर मूव करूँ, डीमर्कुरेशन देख लिया मैंने, देखिए ऑक्सीमर्कुरेशन एक बार, डीमर्कुरेशन एक और बार, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, राइट?
पूरा बोर्ड दिख रहा है अभी, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, क्लियर? तो आपको देखो हर बार तो मैकेनिज्म सोचने नहीं है, एक बार मैकेनिज्म समझ गए कि हाँ ये मर्करी क्या करता, रिंग बना देता है ऐसे, और रिंग बनाने के जब वाटर अटैक करता तो रिंग खुलती है, नहीं कार्बो कटायन बना ही नहीं तो रीअरेंजमेंट कहां से होगा? हाँ अगर कार्बो कटायन बनता तो रीअरेंजमेंट होता, कार्बो कटायन बन ही नहीं पाया तो रीअरेंजमेंट होगा कहां से? ठीक है ना, क्यों? कार्बो कटायन में रीअरेंजमेंट होता है, कार्बन अनायन या कुछ थोड़ी रीअरेंजमेंट होता है, कार्बो कटायन बना ही नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, हाँ जी बच्चों, तो कार्बोकैटायन की बात अगर आप समझ गए हैं, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हो, कार्बोकैटायन नहीं बना इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, ठीक है? तो ये है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर, और मार्कोनी का क्यों हुआ, इसलिए ये रिंग ऐसे टूटती है कि वाटर वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज बनने की, जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा हो वहां पे वाटर अटैक करेगा, वाटर वहां अटैक करेगा जहां कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी, स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की टेंडेंसी, इसलिए इसलिए मार्कोनी का और विदाउट रीअरेंजमेंट। तो आपको इन शॉर्ट क्या करना है, पानी अटैच करना है मार्कोनिक ऑफ विदाउट रिएजेंट, सीनो एंटी दोनों, दैट्स ऑल, यही है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, आगे से इसे आपको रिएजेंट से पहचानना होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जस्ट गेस वर्क, कि अभी क्या है, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, मैं ऊपर कैमरा करता हूं हल्का सा ऊपर करता हूं देखने के लिए, देखिए यहां क्या है, ये वाटर था, ध्यान देना यहां पे वाटर था HOH, तो क्या हुआ जब वाटर था तो वाटर का H जुड़ता एक साइड और OH जुड़ता अदर साइड, है ना, क्या बोला था इसको, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। यहीं पे बच्चों अगर हम थोड़ा सा चेंज करते, जहां पे लिखा है वाटर, इस वाटर का H उठा के लगा देते अल्कोहल ROH, ध्यान दीजिएगा जहां पे HOH है, H तो रहने दो, जो OH है उसको OR कर देते हैं, OR यहाँ पे अल्कोहल हो गया, तो बच्चों ये H प्लस आयन जुड़ रहा था, OR जुड़ेगा, तो जहां H जुड़ा तो ठीक है, जहां पे OH जुड़ा तो वहां क्या जुड़ेगा, OR, मार्कोनी कंपटीशन होगा, यहां OR जुड़ेगा, लेकिन OR ग्रुप क्या होता है, ईथर ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, बच्चों OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ना, लेकिन OR क्या होता है, OR होता है एल्कोक्सी ग्रुप। तो अब इस रिएक्शन को ना सब कुछ मैकेनिज्म ऐसा ही होगा, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट यही है, बस जहां वाटर से अल्कोहल अटैक करेगा, लेकिन इसका नाम ऑक्सीमर्कुरेशन नहीं होगा क्योंकि OR ग्रुप जुड़ा, और आपने सुना होगा IUPAC जब अगर पढ़ाया आपने कि OR ग्रुप को क्या बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, एल्कोक्सी ग्रुप, तो इसका नाम बदल के, इस रिएक्शन का नाम बदल क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, मतलब पहले इसमें क्या जुड़ेगा, यहां तो मर्करी जुड़ेगा, यहां पे OR ग्रुप जुड़ेगा, OR हो जाएगा, एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, एक एल्कोक्सी ग्रुप एक मर्करी जुड़ रहा है, एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, सब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हमने बजाय वाटर के अल्कोहल ले लिया तो इस रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, जो हम नोट पे लिखाएंगे आपको, नोट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे एल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन, और एल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन से क्या बनता है, रिएक्शन तो अल्कीन की है लेकिन यहां ईथर बन जाते, ना आर ओ आर करके ईथर कंपाउंड होगा, ये ईथर की प्रिपरेशन है, अल्कोहल क्यों ईथर चैप्टर होता है वहां बताया जाता है, बट क्योंकि ऑक्सीमर्कुरेशन पढ़ा है दिमाग में यही सेट कर लो, ऑक्सीमर्कुरेशन पढ़ा है तो एल्कोक्सीमर्कुरेशन भी उसी थोड़ा सा, बस वाटर जो अल्कोहल लेना एल्कोक्सीमर्कुरेशन हो जाएगा, वाटर जो अल्कोहल लेना एल्कोक्सीमर्कुरेशन हो जाएगा, समझ गया ना, फिर बोल रहा हूं एक बार, वाटर जगह अल्कोहल लेना तो एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हो जाएगा, क्यों सर, एक तरफ एच जुड़े एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप को एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं आयुर्वेदिक नॉमेनक्लेचर में, ठीक है? तो नोट नंबर वन आप लिख रहे हैं एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, वहां जरूर लिखिएगा, इसको नोट करने से पहले लिखिए, इफ इन प्लेस ऑफ वाटर एल्कोहल इज टेकन, If in place of water alcohol is taken, then reaction is known as alkoxymercuration demercuration. Then reaction is known as alkoxymercuration demercuration. एक बार फिर से बोल दीजिए. If in place of water alcohol is taken. If in place of water alcohol is taken, then reaction is known as alkoxymercuration demercuration. Then reaction is known as alkoxymercuration demercuration.
एंड ईथर विल फॉर्म एज फाइनल प्रोडक्ट. ईथर एंड ईथर विल फॉर्म एज फाइनल प्रोडक्ट. देखो बच्चों क्या है ना, ईथर विल फॉर्म एज फाइनल प्रोडक्ट लिख लिया आपने. देखो यहां क्या है, ओआर है तो ईथर है, लेकिन यहां ओएच होता अल्कोहल होता. ध्यान रखना ये रिएक्शन अभी एल्कीन की प्रिपरेशन में पढ़ा रहे हैं, एल्कीन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में. यही रिएक्शन आगे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ाएंगे जब ना, मतलब हाइड्रोकार्बन का आएगा अल्काहलाइट, अल्काहलाइट का आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर. जब अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा तो उसमें देखना अगर यहाँ पे वाटर है तो अल्कोहल बन रहा है, या अल्कोहल में अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी, लेकिन यहाँ पे अगर अल्कोहल है तो ईथर बनेगा, ईथर की प्रिपरेशन भी हो गई, दोनों फिर वहां पे आएगा. तो उसी रिएक्शन को बार बार बताने से अच्छा है एक ही बार मैंने आपको डिटेल बता दिया. माइंड में रखिए कि इसी को एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन बोलेंगे, वहां ईथर बनेगा. बस एल्किन की प्रॉपर्टी अल्कोहल की या ईथर की प्रिपरेशन, यहाँ ईथर बन रहा है, वाटर था तो अल्कोहल बनता था. ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये रिएक्शन खत्म होती है. सेन और एंटी दोनों एडिशन होता है, मैंने बताया आपको इसमें. तो हमने अब तीन रिएक्शन अब तक पढ़ ली हैं. इसमें एडिशन ऑफ वाटर, काम छोटा सा लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बने. ठीक है, एक क्वेश्चन हमने दिया था इसका, अभी हाइड्रेशन ऑफ एल्किन का क्वेश्चन दिया था एग्जाम में, है ना, जिसमें वो कार्बोकैटायन बना के रीअरेंज करके फिर आपको वाटर अटैच करना था. एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का, ज्यादा नहीं दिया था, तो वो भी कई लोगों ने गलत गड़बड़ किया है. ठीक है, बल्कि हम तो देख रहे थे कि 15 क्वेश्चन में से लोगों ने 12 क्वेश्चन तो चैलेंज कर दिए थे. मतलब इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है. ठीक है ना, तो हम लोग अभी जैसे डाउट क्लास लगाए थे ना, इसी प्रकार से कोई प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे. जैसे बोला है ठीक है आज हम लोग ना एडिशन ऑफ वाटर की प्रैक्टिस करेंगे. आप आए, मैंने स्क्रीन पर 20 क्वेश्चन दे दिया, 20 आपने सॉल्व किए, स्क्रीन पर देखेंगे आपको 20 सॉल्व किए, फिर 20 मिनट का टाइम 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, डाउट डिस्कस कर दिया. ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हम प्रैक्टिस क्लास बाद में करें, बट पहले आप रिएक्शन पढ़ लीजिए. एल्कीन खत्म होगा फिर एल्कीन की प्रैक्टिस क्लास चलाएंगे बीच में. और अब तो है ना, आप भी समझ रहे हैं आंखों फर्क जरूर पड़ रहा होगा थोड़ा ऑनलाइन क्लास में, लेकिन टाइम बहुत बच रहा है ना. नहीं सर, आदत है, टाइम बचता है. हाँ, हेल्थ का क्या है, टाइम बचता है, टाइम बचना चाहिए, टाइम इज मनी है ना. क्लास भी थोड़ा ज्यादा ही हो जाता तो. हाँ हाँ, अरे जनरली सेंटर पे होता तो हफ्ते में 2 क्लास लगाते केमिस्ट्री का. ठीक है, अभी तो 3 लग रहा है, क्योंकि आपको आने जाने का टाइम जो बच रहा है. थोड़ा नेटवर्क कभी प्रॉब्लम करता है तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा हम आराम से पढ़ाएंगे, उसमें बैठ जाएंगे, डिस्कशन और कुछ और करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे. ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा, वो करता भी है. तो बच्चों आपसे जो पीएसएस सर के क्लास में, पीएसएस सर सुबह क्लास लगा ली, उनको नेटवर्क का शाम को बहुत प्रॉब्लम होता है. ठीक है, हाँ बच्चों, तो हम लोग छोटी सी बात करते हैं, ये कहानी खत्म करते हैं. एडिशन ऑफ वाटर के साथ अल्कोहल का एडिशन भी कर दिया. अच्छा, वाटर जो अल्कोहल हो जाए, देखो ये तुमने अल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन बताया, इसके पहले जो ना हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन HBO, वहां भी अगर हम वाटर के बजाय ईथर ले लें, तो सॉरी अल्कोहल लेते, तो कुछ इसी टाइप का रिएक्शन होता. जैसे वाटर अटैक करता है, वैसे अल्कोहल अटैक करता है. वाटर अपने लोन पेयर से अटैक करता, वहां पे अल्कोहल अपने लोन पेयर से अटैक करता. सिमिलर टाइप का पैटर्न हो सकते हैं. ठीक है, आइए अगली रिएक्शन देखिए बच्चों. अच्छा, आपके ग्रुप में जो हम डाला करेंगे, हमने डाउट क्लास के लिए पिछली बार एक डाला था कि सैटरडे को डाउट क्लास करनी थी ना, आपके ग्रुप के लोग बहुत कम थे. उसमें एक डाउट क्लास का लिंक डाला था, मैंने कहा डाउट क्लास के लिए आ जाइए. ओजोनोलिसिस का डाउट और एडिशन ऑफ और हैलुसिनेशन का डाउट हमने डिस्कस किया था. जब कोई ऐसा लिंक डालते हैं, ठीक है ना, आजकल तो आप लोग डिजिटल हैं, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं. ठीक है, मुझे लगता है आपके बैच में थोड़ा लेट से मैंने इन्फॉर्म किया, लेकिन अदरवाइज दूसरे बैच में पहले से पता था कि क्लास होगा डाउट क्लास. ठीक है, तो डाउट क्लास मैं कॉमन ही करता हूँ, तो जैसे ही डालूंगा मैं आपको कम से कम 4 घंटे पहले मैसेज डाल दूंगा डाउट क्लास है. आधे घंटे का डाउट क्लास होगा, 45 मिनट से ज्यादा कभी नहीं होगा, मैक्सिमम आधा घंटे से 45 मिनट के बीच में. उसमें जितने डाउट हो जाए, क्या होता है फिर वो बड़ी क्लास होने में बोरिंग लगने लगता है, हमको भी लगता है डाउट क्लास मतलब आधे घंटे या 45 मिनट बस. अगर ज्यादा डाउट है अगली बार अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाउट क्लास में आ जाया करिए सभी लोग. ठीक है, सैटरडे को मुझे लगता है आपके बैच के लोग बहुत से नहीं थे. सैटरडे या संडे, नहीं वो मंडे, कल ही तो डाउट क्लास लिया था, 1 से 3, 1 से 1:30 से डाउट क्लास लिया शायद. हाँ बच्चों चलो अभी लिखो अगली रिएक्शन. एक रिएक्शन थोड़ी काम की है, ये आज का फोटो तो खींचा ही नहीं, सो बैड, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है. फिर से लिखते हैं, फोटो खींचना था. ORH क्या था, नोट नंबर 1,
एल्कोक्सी, मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन। पहले में क्या था, वो मर्क्यूरिक एसिड प्लस अल्कोहल ले लिया था ना, CH3CO2 द होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट और ROH। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये मर्क्यूरिक एसिटेट है ना, जरूरी नहीं कि एसिटेट ले, मर्क्यूरिक बेंजोएट ले सकता, मतलब कोई भी एसिड का आयन चाहिए, 8 CO मतलब एसिड कार्बोक्सिलिक आयन चाहिए। इसलिए आगे कभी ऐसा हो कि सर आपने तो एसिटेट आयन बोला था कुछ और दे दिया, तो आप टेंशन मत लें, जो भी आयन दिया उसको SH लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है। आज मैं एडिशन ऑफ वाटर के डाउट डिस्कस करूंगा, समझ लीजिएगा, एडिशन ऑफ वाटर के क्वेश्चन दूंगा, एडिशन ऑफ वाटर के डाउट भी रात में डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है ना, बस आधा घंटा। क्वेश्चन अभी बना लीजिएगा। अच्छा एडिशन ऑफ वाटर के क्वेश्चन तो लिख लो यार, एडिशन ऑफ वाटर के क्वेश्चन नंबर एक बार नोट करो, सभी दिखाई नहीं शायद मैंने आपको। हाँ जी बहुत क्वेश्चन है बच्चों, बहुत क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ लिखते जाइए, बोर्ड पे लिखना मुश्किल होगा, लिखिए 40 ये लिख देते हैं आप, 40, 49, 58, 59, 68, 79, 84, 88, 98, 99, 109, 110, 125, 129, 137, 143, 144, 147, 150, 155, 162, 170, 176, 182, 184 और 185। देखो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इतने क्वेश्चन आप लोग एडिशन ऑफ वाटर एंड एल्कीन पे बेस्ड हैं। एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलती से लिख दिया एक आध नंबर, बाकी मैक्सिमम उसी के होंगे, एक आध इसलिए क्योंकि जब क्लासिफिकेशन करने बैठे होंगे कभी हो सकता है एक आध आगे पीछे क्वेश्चन में डाल दिया हो, तो मेजॉरिटी वही है, एक आध क्वेश्चन अगर लगता है कि क्या हुआ 162 है, 162 या 170, 162 है भाई, 2 ना मिले 7 ट्राई करना, बुक तो आपके पास है ही ना यार, हल्का हल्का दे इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना और मोस्ट प्रॉब्ली आज हम आपको बोल सकते हैं, आज रात में दे देंगे, ठीक है, 9 बजे के आसपास टाइम में तक, बाद में ग्रुप में डालूंगा, टाइम नहीं बोलता हूँ, तभी डिस्कस कर देंगे सारे डाउट, अब तब तक बना लीजिएगा एडिशन ऑफ वाटर एंड एल्कीन, ठीक है, तो क्लियर कर दें इसको। अच्छा बच्चों एडिशन ऑफ वाटर में एल्कीन, जो एल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन था ना, याद करिए उसमें जो रिंग बन जाती है ना, बाहर से वाटर अटैक करता हो, वाटर पानी बाहर से आता है, एक्सटर्नल अटैक है, अगर इंटरनल अटैक की पॉसिबिलिटी होती तो वो उसमें रिंग स्ट्रक्चर बन जाता, वहां वो भी सोचना है कि सर ठीक है ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन में पहले 3 मेंबर रिंग बन गई, फिर सर पानी बाहर से आता है, अगर पानी बाहर से आया लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल होता तो अंदर अटैक करके रिंग स्ट्रक्चर बनाता, वो भी सोचना आपको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन कल से दिमाग में रखे, रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है तो इंटरनल अटैक भी कराना है, ठीक है ना सबको। चलिए एक और बड़ी रिएक्शन समझते हैं, बड़ी क्या मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन है उस पे, केमिकल रिएक्शन कौन सा, 5 है शायद ना, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों अलाइलिक क्वेश्चन क्या होती है, देखो अलाइलिक मतलब क्या होता है, अलाइलिक मतलब होता है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, allylic means होता है next to pi bond, next to double bond, double bond के आगे वाले कार्बन को हम allylic कार्बन बोलते हैं, और वहीं पे substitution होने जा रहा है, double bond के आगे वाले कार्बन को allylic कार्बन बोलते हैं, और वहीं पे substitution होगा allylic substitution, right? और allylic substitution कैसे होगा देखते हैं, एल्कीन में होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये यार एक चीज तो रह गई यार हमसे, एक चीज रह गई क्या,
काट दो यार अभी, मैं नहीं काटूंगा, आप काट दो, ठीक है ना? मतलब जो पहले रिएक्शन लिखी ना अभी, एडिशन ऑफ वाटर में, उसमें एक नोट बढ़ा लो कहीं पे, इसको काट कर नोट बढ़ा लो, मैं इस नोट के आदेश को स्टार्ट करूंगा, देखिए उसमें नोट, इसका नोट नहीं, इससे पिछली रिएक्शन का नोट बढ़ाओ, याद आ गया उन्हें, रह जाएगा। हमने एल्कीन पे पानी का एडिशन सोच लिया, एल्कीन पे पानी कैसे ऐड हो रहा हम समझ गए, लेकिन अल्काइन पे भी ऐड हो सकता, वहां कैसे होगा वो भी तो समझना है ना। एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन कैसे होगा देखिए। अच्छा वैसे लगता कॉमन सेंस है, सोचेगा अल्काइन और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे एक वाटर जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जाएगा ना, वाटर जुड़ गया, वाटर जुड़ गया तो यार इन तो था ही, डबल डबल बॉन्ड रह जाएगा ना, और वो ऑल आ गया, तो इन और ऑल, इन ऑल बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड पे अगर पानी जोड़ोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड रिएक्ट करेगा, दो बॉन्ड बचेंगे, उसी डबल बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड पे OH और H आ गया, मतलब इनॉल फॉर्म बन गया, और इनॉल फॉर्म हमारा आंसर नहीं होता, आंसर क्या होगा, की टू फॉर्म, टॉटोमराइज आपको करना ही है, इसलिए लिखा रहा नोट में, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन, लिखिए एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन। क्यों, एल्काइन भी साथ साथ कवर होता जाएगा ना, फिर अलग से एल्काइन नहीं करना पड़ेगा, देखो सर आर अल्काइन अलग से करेंगे, लेकिन वो अल्काइन एक घंटे में खत्म हो जाए, क्यों कि बाकी क्या काम हम कर चुके होंगे, एक घंटे डेढ़ घंटे, एक घंटा मैक्सिमम खत्म हो जाता। आर ये रहा आर सी एच डबल बॉन्ड सी, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है ना, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बच्चों देखो इसमें वर्ड है, एक है हाइड्रेशन, लेकिन इसमें लेते हैं 20% H2SO4, understood है, 20% H2SO4 मतलब dilute H2SO4 लिया है, और साथ में लेते हैं एक और catalyst HgSO4, Hg क्यों लेते हैं, ये alkyne में जब जाएंगे तो मतलब ये heavy metal ion है, heavy metal ion का क्या काम होता है। अच्छा ये hydration हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा है oxymercuration demercuration, देखो ऐसे OMDM, OMDM क्या करोगे, तो पहले स्टेप में वही लेना CH3, ऐसे लिखते हैं CF3 लिखते हैं, CF3 CO का होल ट्वाइस, मरकरी वाटर, दूसरे स्टेप में NaBH4, अभी समझाया, ये भी समझाया कि एसिड एसिटिक एसिड में कोई भी एसिड लिख सकता है। तीसरा ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या पहले स्टेप में लेना है B2S6 in THF, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में H2O2 OH- लेना। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, इन दोनों, ये दोनों सेम प्रोडक्ट देने जा रहे हैं आपको, मार्कोनिकोफ मार्कोनिकोफ, लेकिन इसमें रिअरेंजमेंट एल्कीन में था, एल्कीन में क्या था, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है तो उसमें रिअरेंजमेंट होता है, यहां क्या होगा जब अटैक करेगा ना तो डबल बॉन्ड पे कार्बोकैटायन रिअरेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड पे ही प्लस चार्ज आ जाएगा, आने की टेंडेंसी होगी, डबल बॉन्ड पे ही प्लस चार्ज आने की टेंडेंसी होगी, तो यहां रिअरेंजमेंट होने ही, इसलिए हाइड्रेशन कराओ, देखना H2SO4 HgSO4 इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफिकेशन HgSO4 कई बार यूज करेगा, 20% लो, बहुत हमने लिया है डाइल्यूट। Hg का रोल हम आगे बताएंगे बच्चों, अल्काइन के संग हैवी मेटल आयन का रोल क्या होता है आगे बताएंगे, हैवी मेटल आयन अल्काइन के संग क्यों लिए जाते हैं आगे बताएंगे, अल्काइन चैप्टर एक ही क्लास का है डिस्कस करेंगे, पर वहां माहौल बना के बताएं, अभी माहौल नहीं ना बना। तो हाइड्रेशन हो गया, सर यहाँ वाटर ऐड होगा, दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे, हाइड्रेशन और OMDM सेम प्रोडक्ट देंगे, पानी जुड़ेगा, मार्कोनिकोफ जुड़ेगा, रिअरेंजमेंट दोनों में नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड रिअरेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या है, ये तो HBO है एंटी मार्कोनिकोफ, लेकिन देखो यहाँ अगर मार्कोनिकोफ कराया तो ऐसा हो जाएगा R C डबल बॉन्ड CH मार्कोनिकोफ होगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ये देखो ऐसा इनॉल फॉर्म बन गया, यहाँ पे इसमें क्या होगा R CH डबल बॉन्ड CH है ना, सॉरी यहां एंटी मार्कोनिकोफ होगा, H इधर और OH इधर, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन, मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ये इनॉल फॉर्म है, दोनों के दोनों इनॉल फॉर्म है, इसमें ये दोनों सेम पोर्ट से प्रोडक्ट रहे, ये इनॉल फॉर्म ये भी है, लास्ट में भी इनॉल फॉर्म बना है, इनॉल फॉर्म आंसर नहीं होता, टॉटोमराइज करो इसको, इसको टॉटोमराइज करिए, टॉटोमराइज करिए कीटो फॉर्म में, इसको टॉटोमराइज करिए, टॉटोमर बनाइए, इसका भी टॉटोमर बनाइए, अल्फा हटाओ, पाई बॉन्ड घुमाओ, कहां से हटेगा, इस एच को हटा दो, इस एच को इधर, इसमें इस एच को हटा दो, एक
सॉरी। देखो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें ऐसा बन जाएगा R C C H राइट, ये O तो इधर था ही, एक पाइवन इधर घूम गया ये, और इसका हाइड्रोजन इधर पहुंच गया, यहाँ पे CH2 था या CH3 हो गया, देखिए ये कीटोन बन गया, अल्फा चटाओ पाई वन को कीटोन बन गया, लेकिन यहाँ क्या है, जहाँ एंटी मार्कोनी का एडिशन हुआ यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, देखो जरा R C C H, यहाँ पे O था बच्चों, इधर ही पाई वन इधर ही घूम जाएगा, डबल बॉन्ड इधर हो गया और यहाँ पे दो H हो गए, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, R C H2 ऐसा कुछ घूम गया, देखिए ये कीटोन, ऑब्वियसली कीटोन दिख रहा है, इनॉल गाड़ी कीटो फॉर्म है, कीटो कीटो फॉर्म ही भी, कीटो फॉर्म ही भी, लेकिन ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन देखना है, अल्काइन पे कैसे ऐड होता है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर अल्कोहल नहीं होगा, इनॉल फॉर्म बनेगा बट इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है, जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर बताना है, ना कि आपको इनॉल फॉर्म में, ठीक है। प्रॉपरली नोट कर लें बच्चों, नीचे नहीं दिख रहा क्या, थोड़ा नीचे करें कैमरा हल्का सा, ये देखो हल्का सा नीचे, खास आप लोगों के लिए, एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर था बच्चों जो हर साल 11th का फेज 3 खत्म हो रहा होता तब पढ़ते थे, तो इसमें बहुत जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ देते थे ज्यादा, ठीक है, सिलेबस करना है, फेस प्लान आ गया, ये तो थैंक्स टू कोरोना कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा, नहीं इतना क्लास टाइम नहीं देते, लगभग 20 क्लास पढ़ाया होगा हाइड्रोकार्बन, मतलब टोटल 20 हो जाएंगे, बट एक बार हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया ना, तो इससे देखो हाइड्रोकार्बन ये अल्काइन से क्या बनता है, अल्काइन से हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर आगे तक का कवर कर रहे हैं, मतलब हमें हिंट आ रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन इससे बन सकता है, इससे कीटोन इससे एल्डिहाइड, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी, हाइड्रोकार्बन अच्छे से कर लिया, बेस हाइड्रोकार्बन जल्दी से कर, हाइड्रोकार्बन अच्छे से करो, इसके बाद 11th के 12th के कांसेप्ट सीखो, अपने आप ऑर्गेनिक आना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन शुरू होती है, और आपने देखा होगा अल्काइन में रिएक्शन की होंगी, नहीं की होंगी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कर पाएंगे तो आपको फील होगा हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, हटा लें इसको, क्या बोले इसका, सर थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है मेरी फोटो खींच लो, रुको ना इसको, कभी किसी का डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, टेंशन मत लीजिए, मैं फोटो खींच रहा हूँ, क्लास के बाद भेजूंगा, कुछ भी छूट जाए तो उस बोर्ड वर्क को देख के आप काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं नोट्स। नेटवर्क है, 1.5 GB मिलता है, इतनी क्लास में बचे कैसे, सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों, आप लोगों का फोन रिचार्ज, फोन का बैटरी खत्म हो जाता होगा, इंटरनेट फ्लैग पैक खत्म हो जाता होगा, हमारे यहाँ भी होता है नेटवर्क का प्रॉब्लम, हम ये जो माइक्रोफोन लगाए हुए कान में, इसका भी बैटरी खत्म हो जाता है, एक लाइफ होता है हेडफोन जिसको बोलते हैं, वायरलेस हेडफोन, तो एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला रिएक्शन है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, अगला एडिंग यही होगा। एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक होता है नेक्स्ट डबल बॉन्ड, रिश्ता हटा दें, हो गया नोट सर। चलिए भाई देखिए, हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड, एलाइलिक पोजीशन होती है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, कैसे होती है देखिए, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड,
अभी नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा देखो रिंग स्ट्रक्चर ले लो ऐसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के आगे ये पोजीशन भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, यही नहीं अगर ऐसे इधर मतलब मिथाइल लगा देंगे तो ये भी एलाइलिक है, ये तीनों पोजीशन जहां स्टार बना तीनों एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के अगला वाला एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन तीनों हैं, डबल बॉन्ड के अगले एटम को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, उस पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, तो तीनों एलाइलिक हैं। जब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ लग जाए यहाँ पे कुछ, ये सब एलाइलिक है, ठीक है ना। तो पहले तो एलाइलिक पोजीशन समझाना है, एलाइलिक पोजीशन क्या क्या है, ऑल स्टार आर एलाइलिक पोजीशन, ऑल स्टार आर एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में होगा हैलोजन इज, हैलोजन इज, हैलोजन अपीयर्स एट एलाइलिक कार्बन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा बच्चों ये बताओ ये तीन एलाइलिक थे, मैं इसको भी एलाइलिक बनाता हूं, यहां मिथाइल लगा दे, मिथाइलिक एलाइलिक है, एलाइलिक कौन सा है, एलाइलिक ये स्टार वाला, ये एलाइलिक, मैं नंबरिंग कर देता हूं, एलाइलिक वन, एलाइलिक टू, एलाइलिक थ्री, एलाइलिक वन ये 1 डिग्री है, एलाइलिक टू, एलाइलिक थ्री, ये बताइए, क्योंकि ये मैंने बोला कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो जहां स्टेबल फ्री रेडिकल होगा पहले हम वहीं पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो इन तीनों में स्टार वन, स्टार टू, स्टार थ्री कहां पे आपको लगता है कार्बो कटायन फ्री रेडिकल बने स्टेबल बनेगा, स्टार वन, स्टार टू या स्टार थ्री, अगर फ्री रेडिकल बनाए तो कहां स्टेबल बनेगा, थ्री, यहाँ वन डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ टू डिग्री या थ्री डिग्री, थ्री डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऐसे होता है कि थ्री डिग्री वाला पहले रिएक्ट करेगा, फिर टू डिग्री वाला, फिर वन डिग्री वाला, अगर एक ही रिएक्शन होना है तो रिएक्टिविटी ऐसे होती है थ्री टू वन। आइए देखते हैं रिएक्शन क्या होती है, देखो बच्चों ऐसे सी एस थ्री या सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, देखो एलाइलिक पोजिशन दिख गई होगी, एलाइलिक पोजिशन में कोई रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट क्या लेंगे बताएंगे, कोई रिएजेंट लीजिए और इसमें नेक्स्ट डबल बॉन्ड ये पोजिशन एलाइलिक है, अच्छा रिएजेंट लेंगे तो ऐसा कुछ होगा, एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन आ जाएगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ हैलोजन आ गया, ये हैलोजन, कोई रिएजेंट लेते हैं तो हैलोजन आ जाता है। अब रिएजेंट क्या लेते हैं, मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन रिएजेंट कोई भी लोगे तो ये हैलोजन एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन आया, एलाइलिक जो खाली था ऐसे बिल्कुल ऐसा था तो स्टार ने बना दिया, एलाइलिक पे हैलोजन का आना बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फ्रीडिकल मैकेनिज्म से होता है। तो अब रिएजेंट क्या लेते हैं इसमें, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का दिमाग में पिक्चर आना चाहिए, हां एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन आएगा क्या यहां पे, सर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है एल्कीन की जो एलाइलिक पोजीशन होती है वहां पे हैलोजन आता है, ये हैलोजन है, एक्स मतलब हैलोजन, ये हैलोजन, ये सीएल होगा या बीआर इस रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, तो देखो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, रिएजेंट क्या लेना है, रिएजेंट देखो दो रिएजेंट लेते हैं, ये एक्स क्या है, एक्स हैलोजन, इधर लिख दें तो अच्छा रहेगा लिखने बनाने में, हाँ तो रिएजेंट क्या होगा, देखो बच्चों रिएजेंट फॉर क्लोरिनेशन, फॉर ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन के क्या लेंगे, ब्रोमिनेशन के लिए क्या लेंगे, क्लोरिनेशन फॉर ब्रोमिनेशन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप यहां पे Cl2 ले लो हाई टेम्परेचर, Cl2 ले लो कम से कम 700 डिग्री सेल्सियस, 600 कुछ हाई टेम्परेचर लिख दो 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्लोरीन आ जाएगा,
आप ब्रोमीन ब्रोमिनेशन चाहते हो, ब्रोमीन ले लो 500 डिग्री सेल्सियस, बेटा 500 डिग्री यानी हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन सीएल फ्री रेडिकल देगा, ब्रोमीन बीआर फ्री रेडिकल देगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, यहां ले सकते हैं SO2Cl2 विद सनलाइट, बच्चों SO2Cl2 सनलाइट के संग सीएल फ्री रेडिकल, SO2 गैस और सीएल फ्री रेडिकल रिलीज करता है। और यहां पे ब्रोमिनेशन के लिए काम कर सकते हैं, ये लेते हैं हम लोग NBS, NBS क्या होता है बताएंगे, NBS/HBr, ये बीआर फ्री रेडिकल बनाते हैं, ये दोनों बीआर फ्री रेडिकल बनाते हैं। सर आपका बैंड स्विच लो आ रहा है, लो आ रहा है, बिल्कुल होगा यार, ये पता है पाव, पता नहीं कहां से मंगा लिए, क्या हो रहा है, एक नया वो मंगाए हैं वाईफाई जियो का, लॉकडाउन में लगे लॉक वाला। सही हो वैसे ही बताना, हम आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। बच्चों आवाज आ रहा है? ठीक है, बोलते रहिए बीच में, एक आध बार एक आध बंदा बोलते रहिए, पता लगेगा तो नहीं कि डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, तो बच्चे मैंने कुछ मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर रहा हूँ हल्का सा, ये देखिए, ताकि आप रिएजेंट फोकस कर पाए, कौन सा रिएजेंट लेना, मैं सबके बारे में बात करूंगा। ये तो हम जानते हैं हैलोजन एट हाई टेंपरेचर, ये सीएल फ्री रेडिकल, ये बीआर फ्री रेडिकल, यहां देखिए SO2Cl2 सनलाइट या NBS/HBr, मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा। स्टेप वही होंगे, इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन, इनिशिएशन में ये सीएल फ्री रेडिकल देगा, ये भी सीएल देगा, इनिशिएशन में ये बीआर देगा, ये भी बीआर देगा, बीआर फ्री रेडिकल। खैर एक चीज और, एक चीज और क्या, और यहां होगा Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, Cl2 CCl4, यहां होगा Br2 CCl4। बच्चों Br2 CCl4 और Cl2 CCl4 हमने हैलोजनेशन में भी लिए थे, है ना, लेकिन क्या होगा इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे लिखना पड़ेगा Cl2 ब्रैकेट में लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन और CCl4, Br2 ब्रैकेट में लो कॉन्सेंट्रेशन और CCl4, राइट। और के बाद क्या लिखा है, किसके बाद बेटा, और के बाद ये, सॉरी कैमरा नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी देखिए अभी देखिए, ठीक है अभी आ रहा है, यस सर। Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन, Br2 लो कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली क्यों लो कॉन्सेंट्रेशन लिखा है बच्चों, मैंने इससे पहले आपको ब्रोमीन टेस्ट में भी बताया था Br2 CCl4, यहां भी Br2 CCl4 ले, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है लो और हाई में, हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हमने रफ आइडिया आपको दिया कि हम एलालिक सब्स्टिट्यूशन में दो काम कर सकते हैं, एक क्लोरिनेशन और दूसरा ब्रोमिनेशन। क्लोरिनेशन कैसे करेंगे आपने देखा, ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब वन बाई वन हम बात करेंगे, ये Cl2 CCl4 क्या करेगा, SO2Cl2 से क्या होगा, या फिर Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन या Br2 लो कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है। ठीक है, रिएजेंट आपने लिख लिए होंगे, मैं भी फोटो खींचता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। कल एक बच्चा, बल्कि एक पेरेंट हमको सजेस्ट कर रहे थे, बच्चा भी था तो वो बोले कि 2 घंटे की क्लास में बैटरी फोन की टिकती नहीं है। ठीक है ना, स्कूल का क्लास भी होता है, बैटरी चली जाती है। आप लोगों के संग बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा क्या अभी? नो सर। यस सर। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है मेरे पास यार, चार्ज कर, जब चार्ज कर लिया चार्ज करते हुए पढ़ा करो ना। चार्ज करते हुए बात नहीं करनी है सर। नहीं चार्ज कर, किसके फोन में? Xiaomi, Redmi।
ए भाई ये चाइनीज फोन क्यों रख रहा है तू? अभी चाइना को बाइकॉट करना है, वायरस वही लाया है सर, अब जो है पास में तो क्या कर सकते हैं। नहीं, अब आगे देखो कोई इसको खरीद ले तो बेच देना, इसको इंडियन फोन ले लेना लुक कम फीचर वाला। अभी नहीं मतलब आगे कभी परचेस करना था, अभी तो रखो इसको, ठीक है। बहुत सारा चाइना चाइना क्या बेटा, आप सबको पता है टीवी देखते होगे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, और एस्पेक्ट में, बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, लोगों के सर्वाइवल में, ठीक है। हम लोग अपना मटेरियल यूज करेंगे तभी थोड़ा सा इकोनॉमिक ठीक होगी, तभी लोग को वो मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, तभी सब सही होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा। आप लोग इसको अभी से प्लान करिए, आप लोग जब 2 साल बाद, देखिए इसका इफेक्ट 2 साल बाद भी होगा, ठीक है। 2 साल बाद जब आप इंजीनियरिंग के एग्जाम देंगे, या फिर 2 साल बाद जो आपके सीनियर लोग जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे अपना कंप्लीट करके निकलेंगे, तो वहां भी जॉब नहीं होगी उनके लिए, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अभी से प्लान करिए कि जो एम हम आईआईटी का लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, पता लगा 2 साल बाद आईआईटी को ही, आईआईटी में जाने कोई फायदा। यार 1 मिनट, ये क्या हुआ? 1 मिनट यार, मेरा ये ट्राईपॉड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अब ठीक है। हाँ बच्चों, फोटो तो हमने खींच लिया था, हाँ फोटो खींच लिया था। चलिए इसको हटा रहे हैं, अलग सबसे वन बाय वन आप थोड़ी सी इसकी बात करें, Cl2 क्या करेगा, SOCl2 क्या करेगा, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। आइए नोट नंबर वन, रिएक्टिविटी क्या होगी, अगर हमें एक क्लोरीन जोड़ना है तो हम पहली कोशिश करेंगे, जैसे आप 3 टाइप के थे सर, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी, एक ही क्लोरीन होता पहले यहां जोड़ते, पहले 3D पे जोड़ते, एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग। बाकी मैं रिएजेंट पे हम बात करेंगे, रिएजेंट पे बात करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन समझ गए, रिएजेंट ये यूज करना है। देखो क्वेश्चन ये रहा, ये इधर और ये ऐसा, बच्चों बोलते हैं ध्यान देना ठीक से, डबल बॉन्ड के आगे की पोजीशन ये भी है, ये भी एलाइलिक है, ये स्टार, और इधर देखो डबल बॉन्ड के आगे ये हैश पोजीशन भी एलाइलिक है, स्टार हैश दोनों एलाइलिक हैं, स्टार भी एलाइलिक, हैश भी एलाइलिक, हैश शायद साफ दिख नहीं रहा, हैश बनाते बड़ा था ये हैश, स्टार हैश दोनों एलाइलिक हैं। अब क्या करते हैं, हमने इसमें ऐसे लिखा कि पहले हमने रिएक्शन कराई इसके साथ Cl2 500 डिग्री के साथ, मतलब सॉरी, पहले Cl2 500 डिग्री सेल्सियस के साथ रिएक्शन कराई। अब बताओ मुझे, हमें पता है Cl2 500 पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, एलाइलिक स्टार पे होगा कि हैश पे होगा, कहाँ होना चाहिए बताइए, यहाँ यहाँ एलाइलिक है 1 डिग्री, यहाँ एलाइलिक 2 डिग्री, ज्यादा स्टेबल कार्बन कटायन कहाँ, ज्यादा स्टेबल फ्लोरीन कहाँ बनेगा, 2 डिग्री ये वाला। तो मुझे लग रहा है यहाँ क्लोरिनेशन कराते हैं, प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा कि अगर ए, हाँ एक ले, वन इक्विवेलेंट, एक ही इक्विवेलेंट लेना आपको, एक ही इक्विवेलेंट सीएल लेना है, तो ऐसे केस में दोनों जगह रिएक्शन करा नहीं सकते, एक ही जगह कराना है, तो क्या करोगे सर, ऐसा है कि रिएक्शन हम सीएल सिर्फ यहां लगाएंगे, सीएल यहां लगाएंगे, आ गया सीएल। और अब अगर हम इसके बाद बोले नहीं हम ब्रोमिनेशन करा दें, रिएजेंट ये लिख दिया, देखो बच्चों ऐसे एनबीएस एचबीआर, एनबीएस ऑब्लिक एचबीआर लिख दिया, हमको पता है इसे ब्रोमिनेशन होगा, बीआर थ्री के जुड़ेगा, एलाइलिक कौन सा है सर, 3D तो यूज हो गया, अब ये वाला यूज होगा, इधर इस पे यूज होगा, तो मैकेनिज्म पे चलेंगे, अभी मैकेनिज्म नहीं बताया मैंने, ब्रोमीन ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या होगा सर, अब जो एलाइलिक होगा तो ये वाला एलाइलिक होगा, यहाँ ब्रोमीन इधर, सॉरी यहाँ क्लोरीन ऑलरेडी आ चुका है, ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, देखिए तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, पहले जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, 3 डिग्री पे, 3 डिग्री नहीं था तो 2 डिग्री, 2 डिग्री नहीं था तो 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ डिग्री का फर्क है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है, ये 1 डिग्री एलाइलिक है, एलाइलिक दोनों है, ये भी एलाइलिक है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है, तो पहले जो भी होगा वो 2 डिग्री पे होगा, जो वो हो गया फिर 1 डिग्री पे होगा। तो पहले हमने क्लोरिनेशन किया फिर ब्रोमिनेशन किया, तो क्लोरीन यहां ब्रोमीन यहां, अब उल्टा करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन में उल्टा, देखो ऐसे एनबीएस एचबीआर, पहले क्या है एनबीएस बता रहे अभी,
उसमें ज्यादा ब्रोमीन आता है इससे, और Cl2 सनलाइट Cl2 5 डिग्री बाद में। अब आप मुझे लगता सोच पाओगे कि जहां इसमें Cl आया था इसमें वहां Br आ जाएगा और उसके बाद उल्टा हो जाएगा। कर पा रहे इस क्वेश्चन को, करो फटाफट जल्दी से। हाँ जी देखिए बच्चों, यहाँ का मैं लगता आंसर आप ऐसे करोगे, देखो ये सब कुछ वैसे ही बनाओगे, ये लेकिन इस बार जहां पीआर आया था, जहां सीएल था वहां पीआर आ जाएगा। इस बार पीआर पहले आ रहा, पीआर पहले 2 डिग्री पे आएगा और इसका सीएल फिर 1 डिग्री पे आएगा, लाइक दिस। ये यहाँ पीआर, यहाँ पे ऑलरेडी पीआर आ चुका है, अब यहाँ पे सीएल आएगा यहाँ नीचे वाले। ये क्वेश्चन कराया था कि आप जान पाए रिएक्टिविटी, पहले जो एलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 3 डिग्री पे होता है, अगर 3 डिग्री नहीं तो 2 डिग्री पे, 2 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री पे, और एक बार में एक ही जगह होगा, एक एलिक पे दो बार नहीं होगा। चलिए नोट नंबर 1, क्लोरिनेशन की बात करते हैं। बच्चों मैं इनिशिएशन स्टेप बताऊंगा, प्रोपोगेशन टर्मिनेशन आप जानते हैं कैसे होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इनिशिएशन ही डिस्कस करेंगे, यहां सीएल कैसे बनेगा, यहां सीएल कैसे बनेगा, वहां सीएल कैसे बनेगा, ठीक है। आइए नोट 1, क्लोरिनेशन रिएजेंट फॉर क्लोरिनेशन। नोट नंबर 1, रिएजेंट फॉर क्लोरिनेशन। बेटा किसी का हेडफोन ऑन है और ये माइक्रोफोन इसको बंद कर ऑफ कर लीजिए, क्वेश्चन के लिए पूछिए। चलिए हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं रिएजेंट फॉर, नोट नंबर 1, रिएजेंट फॉर क्लोरिनेशन एट एलिक पोजिशन, रिएजेंट फॉर क्लोरिनेशन एट एलाइलिक पोजिशन। तो पहला रिएजेंट क्या है बच्चों, पहले रिएजेंट है ये Cl2 सनलाइट, Cl2 500 डिग्री। हमने कहा था फ्री रेडिकल बनाने के लिए या तो सनलाइट चाहिए, अगर सनलाइट नहीं है तो हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, दो सील फ्री रेडिकल बन जाएंगे, बॉन्ड अपने आप होमोलिटिकली टूटता है, बस यही चाहिए था इनिशिएशन स्टेप में, ये ऐसे बनेगा। दूसरा रिएजेंट क्लोरिनेशन में क्या है, दूसरा रिएजेंट है SO2Cl2। देखो SO2Cl2 जैसे हीट करोगे इसको, जैसे इसमें सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने में बच्चों ऐसा होता है कि ये SO2 गैस निकल जाएगी और दो Cl फ्री रेडिकल बन जाते हैं, यही Cl फ्री रेडिकल हमको इनिशिएशन स्टेप में काम आते हैं। SO2Cl2 सनलाइट पड़ते ही, SO2Cl2 सनलाइट पड़ते ही इस तरीके से टूट जाता है। तीसरा रिएजेंट क्या था क्लोरिनेशन के लिए बच्चों, तीसरा था Cl2 ब्रैकेट में लो कॉन्सेंट्रेशन और CCl4। ये क्या करता है आइए जानते हैं, पहले नोट कर लें, मैं एक फोटो ले लूं, इसको हटा के पूरा बोर्ड साफ करके बात करेंगे, जगह नहीं है अपने पास। अच्छा कहीं स्कूल में आपके कोई ऐसी क्लास हो रही है ऑनलाइन जिसमें डिजिटल बोर्ड का यूज हो रहा हो, बहुत अच्छा लुक आ रहा हो उसमें? नहीं सर अभी तक तो नहीं, मतलब जैसे डिजिटल बोर्ड होता है कई बार यूट्यूब पे तो बना सकते हैं, लाइव क्लास ऐसी चल रही है जिसमें हम यूट्यूब प्रॉपर अच्छे से लिख पा रहे हो, मतलब डिजिटल वाला सब कलर वलर चेंज करके फिंगर से लिख देते हैं ऐसी सब कुछ, ऐसा कहीं ऐसा हो तो शेयर जरूर करिएगा, देखेंगे कैसे होता फिर वही कुछ स्टार्ट करेंगे।
यार ये सही से फोटो नहीं खींचा, एक मिनट। फोटो लेते हैं एक बार। अब आ गया फोटो। ठीक है बच्चों, इसको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, देखते हैं सीएल टू लो कंसंट्रेशन कैसे काम करता है। देखिए होता क्या है, सीएल टू लो कॉन्सेंट्रेशन को मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, ये इसी इसी यही इसी यहां लिखना था, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सॉरी आर की जगह मिथाइल ले लेते हैं, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। देखो बच्चों, अगर आपने सीएल टू सी सी एल फोर लिया है, खाली सीएल टू सी सी एल फोर, या लिखते Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन, तो बच्चों पहला वाला जो है ना वो हैलोजिनेशन है, वहां एंटी एडिशन होगा ऐसे CH3 यहां Cl का एंटी एडिशन, ये नीचे से तो ये ऊपर से, या उल्टा हो जाए, ये ऊपर से तो ये नीचे से। और यहां देखो लो कॉन्सेंट्रेशन यहां लिखा हुआ है ना, ये क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीसीएल फोर ले लिया, तब क्या होगा, तब उस केस में प्रोडक्ट ये बनेगा, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये लो कॉन्सेंट्रेशन में ये एलिलिक पोजीशन पे अटैक करेगा लाइक दिस, ये इधर और ये सीएल इधर, देख लीजिए डिफरेंस, देख लो सीएल टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सीएल टू हाई कॉन्सेंट्रेशन या सीएल टू खाली, ये हेलोजिनेशन है, इसको हेलोजिनेशन बोलते हैं, जो पढ़ चुके हैं एक दो एक क्लास पहले, आई थिंक एक दो क्लास पहले, और ये एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, जब ये Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो डबल बॉन्ड को चारों तरफ से घेर लेता है, एडिशन रिएक्शन देता है बच्चों। जब Cl2 हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा, बहुत ज्यादा होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है तो हाई मानेंगे, Cl2 लिखा है तो हम मानेंगे हाई है, ये डबल बॉन्ड को चारों तरफ से घेर लेगा और डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन देगा, Cl2 एक्सेस में है डबल बॉन्ड पे जुड़ जाएगा, लेकिन Cl2 लेस क्वांटिटी में है, डबल बॉन्ड के आसपास भी नहीं फटकेगा, तो क्या करेगा ये, उस केस में एलिलिक पोजीशन पे अटैक करने की कोशिश करता है, कैसे हम बताते हैं, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो होगा ये चाहेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन लो है तो डबल बॉन्ड के आसपास नहीं आया, क्यों, ध्यान रखिएगा Cl2 भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, Cl2 खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके इसके पास आना नहीं चाहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन अगर होगी तो ये अपने आप दूर डबल बॉन्ड से दूर रहेगा, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड को घेर के उस पर एंटी एडिशन करेगा, एंटी एडिशन ये भी एंटी एडिशन ये भी, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी ऊपर वाली, ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी आई एम सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो Cl2 CCl4 लिखा है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, उसको यूज करके दिखाया, लो कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसे सोचना, हाई पे तो हम कैसे सोचते थे पहले बताया था, हम क्वेश्चन कर चुके हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता था, अब सिर्फ लो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हाई की मैक्सिमम डिस्कस कर चुके हैं, लो की मैक्सिमम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। ये नोट नंबर वन का पार्ट सी था, सीएल टू सीसीएल फोर, उसी का फर्स्ट में यही बता दिया, सेकंड पॉइंट में इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर देते हैं। समझाने के लिए मैकेनिज्म क्या हल्का समझा देते हैं, देखो ऐसा होता है कि सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अगर सीएल टू हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सीएल टू सीसीएल फोर है, तो बच्चों ऐसा होता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच, और इसके हर तरफ सीएल होगा, सीएल बॉन्ड की चारों तरफ सीएल होगा, हर तरफ सीएल, क्लोरीन होगा हर तरफ, ये सीएल टू हर तरफ होगा, तो क्या करेगा सर, सीएल टू थ्री इसी डबल बॉन्ड पे ही अटैक कर देगा, सी एच थ्री सी एच ऐसा, ये क्लोरीनियम आयन बना देगा ऐसा सीएल प्लस, और यहाँ सीएल माइनस,
ये सीएल वन के पास यहाँ अटैक कर रहा है, ये मैकेनिज्म हम जानते हैं। अगर सीएल टू की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, अगर सीएल टू की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये डबल बॉन्ड को घेर के रखेगा, डबल बॉन्ड पे ही अटैक करेगा और ये ब्रोमोनियम क्लोरोनियम आयन बनेगा। जैसे ब्रोमोनियम होता है यहाँ पे क्लोरोनियम, साइक्लोब्रोमोनियम था, ये साइक्लोक्लोरोनियम है, साइक्लो है और ब्रोमीन था तो ब्रोमोनियम बोला था साइक्लोब्रोमोनियम, यहाँ पे साइक्लो है क्लोरोनियम है तो साइक्लोक्लोरोनियम आयन बन गया ये। और ये तो हम जानते हैं इधर से घिर गया, पोल साइड से अटैक कर, ये एंटीरिशन है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सीएल टू हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो डबल बॉन्ड को घेर देगा, लेकिन सीएल टू लो कॉन्सेंट्रेशन अगर है, सीएल टू लो कॉन्सेंट्रेशन सीसीएल फोर। बच्चों देखिए, बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, ये रहेगा ऐसा CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा बच्चों, क्लोरीन बहुत कम है, हल्का फुल्का, समझ रहे हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जैसे चाय पीते हैं, चाय में शुगर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो मीठा लगता है, उसी चाय में अगर एक दो दाना शुगर डाल दो या चार, बहुत कम डाल दो, जितना डालो उसका 110 डाल दो तो शुगर डाल, लेकिन चाय मीठी नहीं हो रही है। लो कॉन्सेंट्रेशन वो होता है, वैसे ही होता है, बहुत कम है लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बहुत कम है। ऐसे केस में जो क्लोरीन होगा डबल बॉन्ड को अटैच नहीं होगा, कम क्वांटिटी कम है, तो ऐसे केस में क्या चाहेगा सर, क्लोरीन इससे दूर रहेगा, यहां जाएगा ही नहीं, क्लोरीन इस तरह दूर रहेगा, बिकॉज क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है ऐसे, और ब्रोमीन ये डबल बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन रिच है। वो अलग बात थी जब क्लोरीन हाई कॉन्सेंट्रेशन होती थी क्लोरीन डबल बॉन्ड को अप्रोच करता था, जब क्लोरीन हाई कॉन्सेंट्रेशन होती थी क्लोरीन डबल बॉन्ड को अप्रोच करता था और पोलराइज हो जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। तो अब इस केस में क्या करेगा ये क्लोरीन, अभी क्लोरीन करेगा अगर लो कॉन्सेंट्रेशन, कहते लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके पाथ पे जाएगा। ये क्लोरीन कहां अटैक करेगा, सबसे पहली बात तो CCl4 में लो कॉन्सेंट्रेशन होते ही ये Cl2 CCl4 में कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो बच्चों उस केस में ये कन्वर्ट होगा Cl फ्री रेडिकल में, ये ऐसा, और Cl फ्री रेडिकल बन गया। यहां क्या था, यहां पे थ्री मेंबर रिंग बन गई थी, रेडिकल नहीं बना था, यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन थी, ये इसके संग अटैच नहीं होगा। आपको याद हो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही इसको पोलराइज करती थी, एक बार कहानी याद करिए, मैंने कहा Cl2 ऐसा होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इधर भेजती है, तो ये Cl Cl यहां पे इलेक्ट्रॉन आता Cl- Cl+ होता है, फिर आगे बताया था कि अल्टीमेटली डेल्टा यहां पे Cl+ और Cl- में टूट जाता है, ये बताया पूरा सीक्वेंस ऐसे बताया था। तो वही होता है, अगर ये Cl2 pi इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आया तो Cl2 पोलराइज होगा इस तरीके से जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है तो pi इलेक्ट्रॉन से दूर रहेगा तो pi इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं होगा, फिर CCl2 इसको होमोलिटिकली पोलराइज करेगा, CCl4 इसको होमोलिटिकली पोलराइज करेगा, Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, और फ्री रेडिकल बन गया तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वैसे ही जाएगी जैसे कहीं होता है इनिशिएशन, ये इनिशिएशन स्टेप ये है, इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन, इनिशिएशन करा दिया प्रोपोगेशन क्या होगा, प्रोपोगेशन बताते हैं क्या होगा, देखिए आइए, तो फ्री रेडिकल बनना सब लोग समझ गया कैसे बनेगा, फ्रेडिकल कैसे बनता है सबको क्लियर है, और फ्रेडिकल रिएक्ट कैसे करता है इस पे जरा बात करेंगे, ठीक है, फ्रेडिकल कैसे रिएक्ट करता है। ये थर्ड पॉइंट था, इसी सॉरी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 मैं Cl2 में बता रहा हूँ, ब्रोमीन में नहीं बताऊंगा, ब्रोमीन में लो कॉन्सेंट्रेशन में डिट्टो ऐसे ही चलना है, ब्रोमीन में लो कॉन्सेंट्रेशन बोल दे डिट्टो ऐसे ही सोचना, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, बिल्कुल बाल है, फोटो ले लें, हो गया, एक मिनट, ठीक है ना, आंखों की एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक है ना, क्लास खत्म होती है उसके बाद आंखों पर आराम से, रामदेव जी बताते हैं, रामदेव जी देखो क्या बोलते हैं, ऐसे आंख करके ऐसे करके थोड़ा एक्सरसाइज आंखों करता रहिए, ना आंखें खराब हो जाएंगे धीरे धीरे ज्यादा फोन देखने से। हाँ चलो ठीक है ना, तो मैंने बताया, अब मैं क्या कर रहा हूं,
ये लो कौन सा, ये इनिशिएशन स्टेप थे, इनिशिएशन मैंने सब में बता दिया, इनिशिएशन बता दिया, प्रोपोगेशन बता देता हूँ एक में, प्रोपोगेशन कैसे होता है, सीएल फ्री रेडिकल कैसे बनता है, इनिशिएशन बता चुका हूं मैं ए और बी में, ये सी चल रहा था ठीक है, और नोट नंबर वन में आते थे, नोट नंबर वन चल रहा है, नोट नंबर वन में क्या बताया था, रिएक्शन फॉर क्लोरिनेशन एट फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, ए में बताया था सीएल टू हाई टेम्परेचर, बी में बताया था एसओ टू सीएल टू सनलाइट, और सी में हमने बताया था सीएल सी, ये तीसरा रिएजेंट था सीएल टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई पे क्या होगा पढ़ा है, लो पे क्या होगा बताया अभी। चलिए देखिए प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो पार्ट जो क्लोरिनेशन का, या नोट नंबर टू लिख लो, नोट नंबर टू से शुरू करो, नोट नंबर टू मैकेनिज्म फॉर क्लोरिनेशन फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन। तो पहला देखो किसी तरीके से बताओ, सीएल टू हाई टेम्परेचर दिया क्या बन गया, ये सीएल फ्री रेडिकल बन गया दो, फिर ये इनिशिएशन है, स्टेप वन इनिशिएशन, स्टेप टू प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन बच्चों ए प्रोपोगेशन का फर्स्ट पार्ट होता है, प्रोपोगेशन का सेकंड पार्ट होता है, स्टेप फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, आपको पता होगा प्रोपोगेशन के पहले स्टेप में फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है, ये कंज्यूम होगा कैसे, सीएल और ये एलाइलिक वाला जो दिया है एच सी एच, यहाँ सी एच टू है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, देखो बच्चों क्या होगा, ये दो काम कर सकता है, ध्यान देना, ये सीएल फ्री रेडिकल बन गया, अब सीएल फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे ऐड भी हो सकता है, सीएल फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे ऐड भी हो सकता है, अगर फ्री रेडिकल बन गया, सीएल फ्री रेडिकल कहीं दिख गया आपको तो ठीक है, डबल बॉन्ड से कैसे ट्रीट करने जा रहा है यहाँ पे इस रिएजन के संग, यार ये क्या हुआ बच्चों, आवाज आ रही मेरी ना, कम आ रही है, बहुत कम सर, अभी आ रही है, यस सर, एक्चुअली क्या हुआ मेरा हेडफोन का बैटरी लो का मेरे को साउंड आ गया, तो हो सकता है 3-5 मिनट में अगर बैटरी लो हो जाए तो ये 4:30 हुआ है, आधे घंटे नहीं चलेगी, तो ये रिएक्शन पे ही स्टॉप कर देंगे ठीक है, क्योंकि इसका सुनाई नहीं पड़ता, मैं आपके पास आवाज़ भी नहीं आएगी, जो मेरा वेबकैम है इसका जो माइक्रोफोन है बहुत आपको गंदी आवाज़ देगा ठीक है, मतलब उससे वो नॉइस कंट्रोल नहीं है उसमें, तो जब तक चल रहा है ठीक है, जहाँ पे अगर आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाएगी वहाँ मान लेना आपकी क्लास खत्म होगी, मैं फिर चार्ज करूँगा, फिर आपको मैसेज करूँगा ग्रुप में ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में कुछ ऐसा होता है, देखिए जरा ये हाँ एक मिनट, अभी क्या होगा बच्चों देखो, इसके पास दो ऑप्शन है, डबल ऑन पे ऐड हो जाए, एक तो ऐसा हो जाए सी एच थ्री सी एच और सी एच टू, एक तो डबल ऑन पे अटैक कर दे सीएल, ये यहाँ पे डबल ऑन पे अटैक कर दिया सीएल ने, तो यहाँ पे रेडिकल बन गया, दूसरा क्या होता था ये इस बॉन्ड को तोड़े एच को अपने से जोड़ दे, दूसरा ऐसा हो सकता है ये फ्री रेडिकल बन जाए सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ से एच निकल गया और जो एच निकला इसका संग जाके एस सी एल बन गया, देखिए एस सी एल बन गया, देखो बच्चों आप मुझे बताइए अगर ये ऐसे गया तो एडिशन रिएक्शन हो गई, ऐसे गया तो सर आप टेलीपोर्ट कर रहे हैं, अरे सर वेट करिए भाई, हाँ आवाज आ गई, यस सर, देखिए मैंने इसको क्या किया ना, इसमें यहाँ पे एक चार्जर कनेक्ट कर दिया है और पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया, चलिए कम ही आ रहा है सर, कम आ रहा है, हाँ नहीं नहीं आवाज अभी ठीक सही कर रहे, अभी आना शुरू हुआ धीरे धीरे, यस सर, साउंड चला गया था बिल्कुल,
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है? बीच में नहीं छोड़ना ना, इसलिए हमको ध्यान नहीं रहा पावर बैंक चार्ज नहीं किया, सॉरी इसको चार्ज नहीं किया, गड़बड़ा गया मेरा मामला पूरा। चलिए थोड़ी देर पढ़िए, हर तरह से वायर ही वायर दिख रहे होंगे इधर भी उधर भी। हाँ तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हुआ एडिशन, एडिशन कराया तो फ्री रेडिकल क्या बना, और सब्स्टिट्यूशन कराया तो फ्री रेडिकल क्या, मुझे लगता है ये ज्यादा ये फ्री रेडिकल जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, हम इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे, क्यों? मोर स्टेबल फ्री रेडिकल है, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, राइट? तो ऐसे केस में बच्चों ये फ्री रेडिकल स्टेबल है, हम इस पाथ को ले रहे हैं, ये बन गया हमारा। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हुआ, सेकंड स्टेप में क्या होने जा रहा, देखिए ऐसा कुछ होगा। हाँ, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती तो ये डबल बॉन्ड पे ही अटैक करता, लेकिन Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन लो है, हैलोजन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ही जाएगा, ये होगा। और ये CS2 जो फ्री रेडिकल बन गया है, CS डबल बॉन्ड CS2, ये फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन के संग जो हाई टेंपरेचर पे जाएगा, ये Cl था ऐसे, आपको पता जो फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा यहां रिप्रोड्यूस होगा, तो ये होमोलिटिकली इसको जोड़ लेगा, और आप देखेंगे ऐसा कुछ बन जाएगा, CS2 CS डबल बॉन्ड CS2, यहां आ गया क्या Cl, ये देखिए यहां पे Cl आ गया, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल निकल गया, है ना? तो अल्टीमेटली देखो प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट पे क्या हुआ, एलाइलिक पोजीशन में Cl आ गया, एलाइलिक पोजीशन में Cl आया, यही प्रोपगेशन होता है, एडिशन क्यों नहीं हुआ, एडिशन होने में फ्री रेडिकल क्या बनता, सब्स्टिट्यूशन में क्या बनता देख लीजिए, और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होती तो हम यही अटैक कराते, लो पे हमने ये दूसरा पाथ चुना, लो कॉन्सेंट्रेशन पे दूसरा पाथ चुनना है, नहीं तो नहीं चुनना, ठीक है? जो रिएजेंट स्पेसिफिक है Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, SO2 Cl2 सनलाइट के संग, या फिर Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। टर्मिनेशन नहीं लिख रहा हूं, टर्मिनेशन मीन सारी जो फ्री रेडिकल देख रहे हैं उनको जोड़ के रिएक्शन खत्म करनी है, टर्मिनेशन मीन ब्लाइंड स्टेप, रिएक्शन रोकना ही एकमात्र उपाय है टर्मिनेशन, मतलब आपको जो दो फ्री रेडिकल देख रहे हैं जिस तरीके से जोड़ सकते जोड़ दीजिए, टर्मिनेशन वही होता है, टर्मिनेशन खुद लिख लीजिएगा बच्चों। ये तो हो गया इनिशिएशन, सॉरी हैलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, अब चलते हैं ब्रोमिनेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ब्रोमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो नोट नंबर थ्री लिखे ब्रोमिनेशन, नोट नंबर थ्री ब्रोमिनेशन, हटाएं इसको, एक मिनट, नोट नंबर थ्री ब्रोमिनेशन, अच्छा ब्रोमिनेशन में Br2 500 का नहीं बता रहा हूं, वैसे ही होगा, Br2 लो कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसे ही होगा जैसे Cl2 500 है, वैसे Br2 500 हाई टेम्परेचर है, जैसे Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन है, Br2 लो, एक बताएंगे NBS वाला बताएंगे सर, NBS NBS वाला हम बताएंगे, उसी में डिस्कशन करेंगे, बाकी रीजन वो आपको लिखा दिए, बाकी तरीका सेम। तो NBS क्या होता है देखिए जरा, देखिए NBS क्या होगा बच्चों, ये हो गया, ये मैंने बताया था सक्सेनिक एसिड ऐसा होता है, CH2 CO CO यहां OH यहां OH, आपको मैंने कहा था कि दो COH अगर डायरेक्ट जुड़े इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, बीच में एक कार्बन आ गया तो मेलोनिक एसिड, दो कार्बन आ गया सक्सेनिक एसिड, ये है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये बताया एल्केन चैप्टर में बताया था, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड में वहां नोट में लिखा था, डिकार्बोक्सिलेशन का संग सोडा लाइम वाले में नोट था कहीं ना कहीं, है याद आएगा, रिवीजन करते रहिए, हाइड्रो अगले मंडे पूरे हाइड्रोकार्बन का टेस्ट है, मतलब एल्कीन तो रहेगा ही, एल्केन भी आ जाएगा, ठीक है, और एल्काइन तो साथ साथ चल ही रहा है, मतलब पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट टेस्ट है, अच्छे से रिवीजन करिए, एल्केन भी रिवाइज कर लीजिए अभी से, ठीक है।
देखिए टेस्ट का मतलब यही होता है कि अब आप हमारे टेस्ट में कभी नहीं कि हम किसी को डिमोरलाइज करें, सब लोग पूरे सब लोग अपीयर होइए, कोई बंदा टेस्ट छोड़ेगा नहीं, कोई टेस्ट डिमोरलाइज करने के लिए है ही नहीं। टेस्ट ये है कि आप रिविजन करें इसी बहाने, ठीक है ना, आप रिविजन करें, टॉप 10 में आए लोग नाम देखेंगे, नहीं आया तो नाम किसी को नहीं पता लगेगा, ठीक है। बट आपको अपने को इम्प्रूव करते रहना, अपना कॉम्पिटिशन अपने आप से रखिए। पिछले टेस्ट में अगर मेरी रैंक मेरे मार्क्स इतने, तो अगले टेस्ट हमको अपने आप से बढ़ाने, और जब थोड़ा अच्छे मार्क्स आने लगे तो दूसरे से कॉम्पिटिशन करिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको टेस्ट स्किप नहीं करना है। हम अब बैच में कोई बंदा टेस्ट स्किप करेगा तो पहले हम आपके जो यहाँ दो बैच हैं, जी बैच और एफ बैच, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली जब कोई टेस्ट स्किप करेगा तो अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं या मेंटर्स, आपके नाम जिस टीचर का नाम मेंटर लिख के आ रहा है जो, उनको आप परमिशन ले लीजिए। आप जब ऐप खोलते होंगे या वो जो ऐप खोलते हैं तो ऐप में कॉर्नर पे ऑप्शन आता माई अटेंडेंस, या एक और ऑप्शन आता माई टीम पाठशाला, मतलब आपकी टीम में कौन टीचर हैं, कौन हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो सबका कॉन्टेक्ट आता है, उसमें किसी एक आगे मेंटर लिख के आता कोई सर, उन सर को इन्फॉर्म जरूर करिए, ठीक है। सबके मतलब सबके कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपके बैच के लिए जो भी लोग डेडिकेटेड है पाठशाला में, टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ होंगे, उनके व्हाट्सएप, वहीं से डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। माय अटेंडेंस के आसपास एक ऑप्शन होगा, देखिएगा। तो टेस्ट मिस नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ टेस्ट की अटेंडेंस इस टेस्ट में थोड़ी कम हो गई है, इससे पिछले मंडे काफ़ी अच्छी अटेंडेंस थी, इस मंडे अटेंडेंस कम है। तो आप लोग क्लास नहीं छोड़िए, तो टेस्ट कोई नहीं छोड़ना। मैंने फिर बोला है जिनको लगता है कि टेस्ट छोड़ने से हमको ये होता, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप चुपचाप आपके मार्क्स में पेरेंट को नहीं भेजते हैं, ठीक है। अटेंडेंस एब्सेंटेंस का मैसेज जाता है लेकिन मार्क्स नहीं जाते, क्लियर। तो आप अपने को इम्प्रूव करिए, कोई टेस्ट कोई नहीं छोड़ेगा, अगर कोई टेस्ट छोड़ेगा तो फिर समझ लीजिए टेस्ट किसी को नहीं छोड़ना, छोड़ना तो हमको पता होना चाहिए, आप दोनों बैच के लिए हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप टेस्ट छोड़ रहे हैं कारण के संग, क्लियर। आइए और अगला टेस्ट हाइड्रोकार्बन एल्केन भी रिवाइज कर लेना। चलिए दादी, ये देखिए ये सक्सनी कैसे है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से पानी निकाल दो, ओ एच यहाँ से, एच यहाँ से, वाटर हट जाए तो बन जाएगा अनहाइड्राइड, CH2 CO CO, यहाँ से वाटर निकाल, इसको बोलते हैं सक्सनिक अनहाइड्राइड, SUCC सक्सनिक अनहाइड्राइड। अच्छा अभी क्या होता है, अगर हम यहाँ पे O हटा के N लगा दें, अमाइड टाइप अमाइड CH3 ऐसा CH2 CO CO, बच्चों यहाँ NH2 लगा दो तो अमाइड होता है, यहाँ NH2 लगा दो तो अमाइड होता है, लेकिन दोनों नहीं, दोनों का कॉमन NH2 लगा दो, एक ही नाइट्रोजन दोनों में कॉमन कर दो ऐसे, ये NH। तो बच्चों ये सक्सेनिक एसिड का अमाइड है, ये सक्सेनिक एसिड का अमाइड है, इसे बोलेंगे N सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड, सक्सेनिक एसिड का अमाइड सक्सिनामाइड। और अब हम क्या करते हैं, इसके नाइट्रोजन पे हम ब्रोमीन लगा दें, यहाँ जो नाइट्रोजन है ना यहाँ ब्रोमीन लगा दें, ऐसा बनाएंगे CH2, देखिए कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, CH2 CO, और देखो बच्चे यहां से जो है ना, यहां से बॉन्ड ये बॉन्ड इधर यहां पहुंचे, यहाँ एन लगा हुआ है ना, ये एन लगा, एन पे जो एच था एच पढ़ा के ब्रोमीन लगा दो बच्चों, यही है, इसका नाम है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N जो रेड वाले में लिखा ना, इसका नाम है N ब्रोमो, ब्रो के नीचे लिख देते N डैश ब्रोमो सक्सिनामाइड, मुझे लगता है इसी को NBS बोलते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में यही होता है NBS जो है, यही है NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, जो NBS HBR में NBS ले रहे हैं बच्चों, यही है NBS का स्ट्रक्चर, देखिए कैसे बनेगा, सक्सेनिक एसिड से सक्सेनिक एनहाइड्रेट समझ में आ जाएगा, सक्सेनिक एनहाइड्रेट से सक्सिनामाइड समझ में आ जाएगा, और सक्सिनामाइड का H हटा देना है N से जुड़ा हुआ, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, यही NBS होता है, ये NBS है, सब ब्लर, N ब्रोमो सक्सिनामाइड नाम याद रखिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ कैमरा, देखिए ठीक है ना भाई, हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ होगा, तो आज आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, एक तो टाइप आपको क्वेश्चन करना है, एक टाइप कौन सा क्वेश्चन है, एक टाइप है वो वाला हाइड्रोक्सिलेशन एडिशन ऑफ वाटर, दूसरा मैं भी अलग सब्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ, हालांकि इसके क्वेश्चन कम होंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको अल्काइल हैलाइड में ज्यादा मिलेंगे, अल्काइल हैलाइड चैप्टर है ना, अगला चैप्टर जो है उसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ये
सक्सेनामाइड के, और अगर यहाँ पे कमजोर हो गया तो वहां कमजोर आप हो ही जाएंगे। हाइड्रोकार्बन किसी का वीक नहीं रहना चाहिए। आपको जब रिवीजन चाहिए, आपको जब डाउट्स की शीट चाहिए, हमको मैसेज करिए, हम अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन आओ हाइड्रोकार्बन वीक नहीं रहना चाहिए। ट्वेल्थ में पहुंचे तो ऑर्गेनिक बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप पूरा ट्वेल्थ समझ पाओगे ठीक से। हाँ जी, हटाए इसको। एनबीएस क्या होता है, है ना? आप देखो, मैं कैमरा घुमा रहा हूं। यार ये ट्राइपॉड टूट गया लग रहा आज। अच्छा, इसका एक पेंच निकल गया क्या? यस, समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम हियर। वो नीचे पड़ा, मिल गया। रुको रुको, ग्लास के बाद सही करता हूं मैं। चलिए, हाँ बच्चों देखो, तो अब क्या है दूसरा पॉइंट देखो। एनबीएस और एचबीआर क्या करते हैं, ये अपने आप क्या करते हैं, ये बनाते हैं बीआर फ्री रेडिकल बनाते हैं। एनबीएस एचबीआर जो है वो बीआर फ्री रेडिकल बना देते हैं। बीआर फ्री रेडिकल अलग होता है इसमें, ठीक है ना? तो कैसे अलग होता है देखिए, NBS HBR से BR free radical ही अलग होता है। ध्यान रखना, NBS HBR का कॉम्बिनेशन जो है वो BR free radical बनाता है। NBS का स्ट्रक्चर अभी ऐसा हो गया, देखिए ये ऐसा बना दोगे आप, ये शॉर्ट में ऐसा बनना शुरू हो जाएगा NBS, ऐसा ये N ब्रोमीन है, आपने HBR से रिएक्शन करी, होगा क्या, ये बॉन्ड भी होमोलेटिकली टूटेगा, ये भी होमोलेटिकली टूटेगा, ये H जाके N से अटैच हो जाएगा, ये खुद सक्सिनामाइड बना देगा, खुद ही सक्सिनामाइड बना देगा, सक्सिनामाइड, ये N और H, सक्सिनामाइड ही ना, देखो शॉर्ट में ऐसे ही बनाते हैं इसको, और साथ में दो फ्री रेडिकल बन गया, ये इनिशिएशन स्टेप, बाकी प्रोपगेशन टर्मिनेशन वैसा ही है। NBS HBR जो है वो क्या बनाता है, NBS HBR जो है वो फ्री रेडिकल बना के देता है। NBS HBR जो है वो BR फ्री रेडिकल देता है, और BR2 लो कॉन्सेंट्रेशन का वही है Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? क्वेश्चन हमने एक किया ही था कैसे ट्राई करना है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं एलिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपको करने हैं, ठीक है? अलाइलिक क्वेश्चन नोट करें बच्चों, कम क्वेश्चन है बट करने हैं। हाँ, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन लिखे जाएं, जो क्वेश्चन आपको करने हैं एमएस चौहान से, अभी क्वेश्चन है 51, 65, 164, 168। बच्चों यहाँ चार क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर में भले ही चार हो, लेकिन अल्काहैलाइड चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे हमको इसको, ठीक है ना? अल्काहैलाइड, क्योंकि देखो ना इसकी एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है अल्काहैलाइड है ना, हैलाइड है, इसलिए वहां चैप्टर मिलेंगे। तो रिएक्शन में समय लगा, हमने आज दो रिएक्शन डिस्कस करी, एक हाइड्रोक्सिलेशन के क्वेश्चन दिए, दूसरा हमने डिस्कस किया ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड एनबीएस वाला रिएक्शन, ठीक है? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करना, ये चार क्वेश्चन ट्राई करना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है? और बैटरी खत्म होगी, ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे क्योंकि पावर बैंक पे चल रहा है, चार्ज करते समय बात नहीं करनी चाहिए, ब्लास्ट हो सकता है एनी टाइम, ध्यान रखते हुए। हाँ, ओटीपी 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 आप लोग ले लें, आपकी क्लास डेढ़ घंटा ही हुई है। ओटीपी लिखिए, एफ बैच, एफ बैच का ओटीपी है 8420, 8420। ओटीपी जी बैच 7430, जी बैच 7430। अपनी अटेंडेंस बना दीजिएगा, क्वेश्चंस कर लीजिएगा, डाउट क्लास के लिए मैं डाल दूंगा एक बार, 8 वीक आसपास चेक कर लीजिएगा व्हाट्सएप, ठीक है? 8 से 8:30 के बीच में डाल देंगे, उसके बाद नहीं डालते, ये नहीं कि 8:30 के बाद नहीं डालेंगे, जो जो भी आपको व्हाट्सएप डालेंगे आज करना होगा तो 8:30 तक डाल देंगे, ठीक है उसमें, ठीक है बच्चों? ओके, क्वेश्चन ट्राई करिए।